वेलकम फ्रेंड्स, फन एंजॉय लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फन एंजॉय लर्निंग चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत ही रोचक जानकारी प्रदान करते हैं जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा उपयोग भी होगा। तो मैं प्रोफेसर आर के हरदहा आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का स्कोप ऑफ प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर का क्या स्कोप है, इसमें क्या संभावनाएं हैं, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। व्हाट इज प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट? प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट का मतलब होता है पहले से ढलाई किया हुआ सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पर देखिए, जैसे ये मोल्ड है, मोल्ड में कंक्रीट मिक्स को ढाला जाता है और जब ये हार्ड हो जाता है तो इसका एक सॉलिड स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। और धीरे धीरे आजकल प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट के मकान बनने लगे हैं जिनको आप साइट पर ले जाकर असेंबल करते हैं और बहुत ही कम समय में ये मकान आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो ये प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट के बारे में जानने से पहले थोड़ा हम इंडियन हिस्ट्री की एक जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु का ये मंदिर बना हुआ है, बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है और आज भी ये अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए मशहूर है। सन 1100 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण हुआ था और इसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर के करीब है और इसमें 10 मंजिलें बनी हुई हैं। और यहाँ पर आप देखिए, हर पत्थर में कोई ना कोई मूर्ति बनी हुई है और ये बड़े बड़े पत्थर इनको लगाकर ये विशाल स्ट्रक्चर बना हुआ है और आज भी ये बहुत ही मजबूती से खड़ा हुआ है। तभी और अब में फर्क ये है कि पहले ये जो मूर्तियां बनी हुई है और ये मंदिर बना हुआ है, इसमें पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाई गई हैं और इसको उसकी जगह पर लगाया गया है। उस समय जब कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी तब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था। मंदिर का ये गर्भगृह है जहां पर 1000 पिलर हैं और यहाँ पर देवी मीनाक्षी अम्मन और भगवान सुरेश्वर का यहाँ पर स्थान है। यहाँ पर देखिए पिलर में कितनी अच्छी नक्काशी हुई है और ये इसकी छत बनी हुई है, इसमें भी पत्थर लगे हुए हैं, इसमें भी बहुत सुंदर नक्काशी है। तो आज से लगभग 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हो गया था। अब हम एक नजर डालते हैं आज की सीमेंट कंक्रीट की प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में। फर्क इतना ये है कि पहले जो स्ट्रक्चर पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे वही स्ट्रक्चर आज सीमेंट कंक्रीट को ढालकर बनाए जाते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ सीमेंट की बात करें तो जोसेफ एस्पडिन ने 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट की पहले खोज की थी। आज से लगभग 200 साल पहले की बात है ये। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सीमेंट की खोज हमारी लगभग 200 साल पहले हुई है और ये जो मंदिर हमारे बने हुए हैं आज से लगभग 1000 साल पहले का बना हुआ है। और आज भी उतनी मजबूती से खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट की बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर तैयार किया जाता है, फिर इस मिक्सचर को किसी मोल्ड में ढलाई की जाती है। मोल्ड में ढलाई करने के बाद कुछ दिनों बाद जब ये हार्ड हो जाता है तो इसको मोल्ड से निकालते हैं और इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसकी क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग करने के बाद जब ये तैयार हो जाता है, इसको जहाँ भी आपकी साइट है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है और इसको फिर जहाँ पर आपको लगाना हो वहाँ पर असेंबल करके लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरी सीमेंट प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट को लगाने की प्रक्रिया पूरी होती है। कंक्रीट मिक्स से लेके साइट तक असेंबल करने में ये इस प्रक्रिया का
पालन होता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट के। प्रीकास्ट कंक्रीट के क्या फायदे हैं? सबसे पहला तो ये है, सेव्स कंस्ट्रक्शन टाइम अप टू 70%। लगभग लगभग 70% हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो आपका पहले से बना हुआ है। जहां पर यदि हमारा कंस्ट्रक्शन 10 महीने में कंप्लीट होने वाला है, तो प्रीकास्ट का हम यूज करके उसको 3 महीने में बना सकते हैं। दूसरा फायदा ये है, कॉस्ट सेविंग है, लगभग 20% तक हमारी इसमें लागत में कमी आ जाती है। वर्सटैलिटी, मोर चॉइस अवेलेबल, ड्यूरेबल, इसमें हमको बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं और ये ड्यूरेबल भी हैं, लंबे समय तक चलते हैं। सस्टेनेबिलिटी, रियूजेबल, इको फ्रेंडली, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर हमको दोबारा से यूज कर सकते हैं, ये इको फ्रेंडली है। एस्थेटिक्स, गुड लुकिंग, गुड डिजाइन, देखने में ये बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। और छठवा है, सेफ कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म, लेस मैन पावर, हमको कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म सेफ होता है और हमको बनाने के लिए कम मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे कंपेयर करेंगे हम कन्वेंशनल जो कंस्ट्रक्शन है और प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन से, यहाँ पर आप देखिए एक विंडो बनी हुई है। ये कन्वेंशनल तरीके से ऑन साइट में बनाया गया है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के दौरान ही इसकी कास्टिंग होती है। तो सबसे पहले तो इसके लिए सेंटरिंग करना पड़ती है, फिर इसमें ढलाई करेंगे, ढलाई करने के बाद क्योरिंग करेंगे, क्योरिंग करने के बाद डिसेंटरिंग करेंगे, और उसके बाद इसको फिनिशिंग करना पड़ेगी, तब जाके ये विंडो तैयार होगी। जबकि बाएं दाएं तरफ आप देखेंगे एक प्रीकास्ट विंडो आपकी तैयार है पहले से, इसको केवल एक दिन में अपनी जगह पर लगाया जा सकता है। पूरा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर पहले से हार्ड होता है, क्योर किया होता रहता है, और इसको हम एक दिन में लगा के आगे का काम पूरा कर सकते हैं। तो ये एक कंपैरिजन है, आपको दिखेगा कि प्रीकास्ट कंक्रीट से बहुत कम समय में हमारा काम हो सकता है, इसमें लेबर चार्ज भी कम लगेगा आपका। ऐसे एक और प्रीकास्ट कंक्रीट विंडो है, ये भी एक दिन में आप अपनी जगह पर लगा सकते हैं। ये प्रीकास्ट वेंटिलेटर है, इसका देखिए कितना सुंदर डिजाइन है। विंडो के अलावा प्रीकास्ट डोर्स भी आते हैं, इनको भी आप लगा के आगे का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। और यदि आपको बहुत अच्छी डिजाइन का गुड लुकिंग हाउस आपको बनाना है, तो आजकल प्रीकास्ट पिलर्स मिलते हैं, इन पिलर्स का यूज करके आप बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बना सकते हैं। प्रीकास्ट आर्च भी आती है, इनको आप बालकनी में और कॉरिडोर में लगा सकते हैं। प्रीकास्ट रेलिंग्स आती हैं, प्रीकास्ट रेलिंग भी आप बालकनी में और छत में आप लगा सकते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट ग्रिल अलग अलग डिजाइनों में बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ ये मिलती हैं, इनका भी उपयोग आप बाउंड्री में, या दोस्तों हम एक वीडियो देखते हैं, इसमें प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर की मदद से एक मकान बनाया गया है। ये रेजिडेंशियल हाउस है, डबल स्टोरी, और देखिए पूरा प्रीकास्ट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। क्रेन की मदद से इनको उनके प्रॉपर प्लेस में लगाया जाता है और असेंबल करके बहुत ही कम समय में प्रीकास्ट हाउस आपका बन जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि किसी वजह से मकान को हमको तोड़ना यदि पड़ता है, या कभी ऐसी स्थिति आती है, तो पूरा की पूरा मकान डिसमेंटल करके हम उसको नई जगह पर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही तेजी से असेंबली इसकी हो रही है, और ये जो स्ट्रक्चर है प्रीकास्ट, ये बाहर अलग से एक प्लांट होता है, जहाँ पर ये एक्चुअल डायमेंशन के बनाए जाते हैं। जिस साइज का आपका मकान होता है, उसी के हिसाब से इसके पैनल्स तैयार किए जाते हैं, और बाद में साइट में आकर उसको असेंबल करके बना दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये असेंबली का कार्य चल रहा है, और ये मकान आपका पूरा बनकर तैयार हो गया, और इसको बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। देखिए ये पूरा मकान आपका तैयार है, बाउंड्री वॉल भी इसकी छत
तैयार हो गया, और ये डबल स्टोरी रेसिडेंशियल हाउस। तो इस प्रकार के बहुत सारे मकान हम किसी टाउनशिप में बना सकते हैं। तो यदि किसी टाउनशिप में बहुत सारे मकान बनाना हो तो ये बहुत कम लागत में बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कन्वेंशनल बाउंड्री वॉल। ये बाउंड्री वॉल है, पुराने तरीके से बनी हुई है। देखिए, इसको बनाने में भी समय लगेगा, और यदि किसी वजह से इसको तोड़ना पड़ेगा तो पूरा मटेरियल हमारा वेस्टेज चला जाएगा। जबकि प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल का उपयोग यदि हम करते हैं तो ये बहुत कम समय में बहुत ही सुंदर बाउंड्री वॉल बनके तैयार हो सकती है। इसी प्रकार प्रीकास्ट गार्डन चेयर और फर्नीचर भी हम बना सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कम्युनिटी टॉयलेट्स और जो रूरल एरिया है वहां पर टॉयलेट्स हम रेडीमेड टॉयलेट्स बना सकते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट से, और उनको उनकी जगह पर लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रीकास्ट वाटर टैंक, प्रीकास्ट सेप्टिक टैंक, प्रीकास्ट स्टेयर केसेस हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये स्टेयर्स हैं, इनको प्रीकास्ट करके रखा गया है, और जहाँ पर सीढ़ी है वहां पर केवल इसको असेंबल करना है। इस तरीके से देखिए आप, स्टेयर्स जो है प्रीकास्ट कंक्रीट की हम लगा सकते हैं। आजकल ट्रेंच ड्रेन में देखिए, प्रीकास्ट ट्रेंच ड्रेन बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत कम समय में इसको अपनी जगह पर लगा सकते हैं, और यदि किसी वजह से इसको हटाना हो तो पूरा स्ट्रक्चर हम निकाल के अलग कर सकते हैं और इसको किसी दूसरी जगह में लगा सकते हैं। इसी प्रकार ये सीवर पाइपलाइन है, इसको भी हम प्रीकास्ट पाइपलाइन से डालते हैं, और यदि कभी किसी वजह से हमको इसको निकालना पड़े तो पूरी की पूरी पाइपलाइन दोबारा से दूसरी जगह लगा सकते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट कैनाल है ये, इसको भी प्रीकास्ट करके आप कैनाल बना सकते हैं। और आजकल आप देखते होंगे कि प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट सेगमेंटल ब्रिज, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, और हाईवेज, ओवरब्रिज, मेट्रो ट्रेन, रेलवेज वगैरह में प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंटल ब्रिज का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें बहुत कम समय में बहुत जल्दी ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है, और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसकी क्योरिंग होती है। इसके अलावा प्रीकास्ट कंक्रीट रोड भी बनाई जा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत कम समय में ये तैयार हो जाती है, और यदि किसी वजह से इसको अलग करना हो तो इसको निकाल कर दूसरी जगह हम लगा सकते हैं, उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। स्कोप ऑफ प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट, भारत में क्या है स्कोप प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट के लिए? तो सबसे पहली चीज तो क्या है, वेरी फ्यू स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रेक्टर्स आर अवेलेबल। प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, यदि उनको हम अलग कर दें तो बहुत कम कॉन्ट्रेक्टर्स अवेलेबल हैं। सो स्कोप फॉर न्यू कॉन्ट्रेक्टर्स, यदि कोई कॉन्ट्रेक्टर जो नए हैं यदि प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट के फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। दूसरा है, फ्यू प्लांट्स आर अवेलेबल इन कंट्री, सो स्कोप फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। भारत में इसका उपयोग बहुत कम हुआ है, हो रहा है। विदेशों में प्रीकास्ट कंक्रीट के हाउसेस और ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो है वो प्रीकास्ट की बन रही हैं, लेकिन भारत में बहुत कम उपयोग हो रहा है। तो आगे इसकी बहुत संभावनाएं हैं, और भारत में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है। तो जो एंटरप्रेन्योर प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट के प्लांट लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत स्कोप है इसमें। फिर लेक ऑफ अवेयरनेस, अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि प्रीकास्ट हाउस हम बना सकते हैं, प्रीकास्ट ट्रेंच बना सकते हैं, प्रीकास्ट विंडोज, प्रीकास्ट डोर। तो एक्सपर्ट्स की अभी कमी है, तो जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, एक्सपर्टाइज लेना चाहते हैं, उनके लिए भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और ये अभी स्टार्टिंग एज में है प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट का यूज़, अभी बृहत पैमाने पर भारत में शुरू नहीं हुआ है। तो जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। प्रीकास्ट कंक्रीट रेजिडेंशियल हाउस, यहाँ पर देखिए, ये पूरा की पूरा मकान जो है प्रीकास्ट कंक्रीट के द्वारा बनाया गया है, और इसको असेंबल करके
10 से 15 दिन में पूरा कर लिया जाता है। तो जो बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, या कभी हमको इमरजेंसी में कम समय में मकान बनाना हो, या टेम्परेरी हमको रेजिडेंशियल हाउस बनाना हो, तो हम प्रीकास्ट कंक्रीट से बना सकते हैं और बाद में उसको डिसमेंटल करके दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी प्रीकास्ट कंक्रीट के बारे में। अभी जो इंडिया में एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस समय, ये है पेवर ब्लॉक, और इसका ज़्यादातर उपयोग फ्लोरिंग में और जो रोड के किनारे फुटपाथ होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये प्रीकास्ट कंक्रीट का ये एक छोटा रूप है, अभी ये अर्ली स्टेज में है। तो पेवर ब्लॉक तो बहुत ज़्यादा यूज होने लगे हैं, लेकिन प्रीकास्ट विंडोज, प्रीकास्ट डोर्स, पिलर्स, इनका उपयोग भारत में कम हो रहा है। और चूंकि ये कम कीमत में और कम समय में इसको बनाया जा सकता है, इसलिए इसमें आगे बहुत ज्यादा संभावना है। तो दोस्तों इन सबको देखने के बाद आपको लगता है कि प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट जो है कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो हमको इसको बढ़ावा देना है, ज्यादा से ज्यादा प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर का यूज करना है, और इससे बहुत सारे लोगों को आगे रोजगार मिलने की भी संभावना है। और जो कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको मिल सकती है। तो आपने बड़े गौर से और कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। तो आज के इस कठिन समय में जब कोरोना की महामारी फैली हुई है, आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्टे होम स्टे सेफ, और फन एंजॉय लर्निंग की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।